कमंडल का मतलब समझाइए तो क्या है, और मंडल क्या है, मंडल व्हाट इज मंडल एंड कमंडल, आप हमको एक्सप्लेन कीजिए ना पहले। अरे नहीं नहीं आप छोड़िए ना, आप क्या समझे तब ना सवाल पूछ रहे होंगे, वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना वो लिख सकते हैं, वो आपको आपकी समझ के ऊपर है ना, आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों के भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है, वहाँ से दिल्ली से जो आता वही लिखते हैं। नेतृत्व तो हमारा कौन करता है, राष्ट्रीय जनता दल का, मतलब आप ये कह रहे हैं। अरे अरे आप बताओ ना, नेतृत्व कौन करता है, आपके चाहने से न्यूज चलेगा कि न्यूज एडिटर के चाहने से चलेगा? अरे अरे भैया आपको सुनने की आदत नहीं है, आप जो दिखाएगा वही चलेगा या एडिटर जो चाहेंगे वो होगा? अरे टेल मी, अरे जवाब दो, एडिटर जो चाहेगा वही होगा या तुम जो चाहोगे वो होगा? तो आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना, यही तो हम बोल रहे हैं। आप लोग अजीब बात करने लगते हैं, कल जब हम बोल ही दिए आप लोग नहीं देखे हैं क्या, हम तो बोल ही ना दिए हैं कि सोची समझी साजिश है भाजपा के द्वारा, जब हम बोल ही दिए हैं, और जाकर के जरा देख लीजिए कि क्या है वो, आप बता दिए अभी तो हम देखे कहाँ। ट्वीट तो सबके अपना, ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी, बट अच्छी बात है शिक्षित बिहार क्यों ना हो। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना, तेजस्वी है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके मायने आप लोग सब लोग जानते हैं। नहीं आप एक बात, आप कल मेरी बात आप लोग सुनते ही नहीं, आपको एजेंडा चेंज करना है वापस, एक ही चीज 10 बार सुनना है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आई हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट, संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे है? संविधान से। और संविधान में क्या है, हर किसी को आप देखिएगा, को चाहे कोई भी धर्म हो उसका सम्मान तो बताया गया है ना करना, एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। दिस इज नॉट ए एजेंडा, एजेंडा शुड बी व्हाट, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना, आप इस पे बहस करके कितनी गरीबी मिटा लोगे, कितने को शिक्षित बनाओगे, कितने लोगों को रोजगार दे दीजिएगा, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कीजिएगा। तो मेरा तो यही सुझाव होगा कि अगर मुद्दे की बात की जाए तो बेहतर है। और शिक्षा मंत्री के बयान से जेडीयू खफा है, वो कार्रवाई की मांग कर रही है। अरे भाई आप लोग अजीब बात करने लगते हैं, कल जब हम बोल ही दिए आप लोग नहीं देखे हैं क्या, हम तो बोल ही ना दिए हैं कि सोची समझी साजिश है भाजपा के द्वारा, जब हम बोल ही दिए हैं, और जाकर के जरा देख लीजिए कि क्या है। तो आरजेडी और जेडीयू में दिखने लगा। कहाँ बयानबाजी आती है, आपके भी प्रवक्ता जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं, जेडीयू भी। हम नेतृत्व, नेतृत्व हमारा कौन करता है, राष्ट्रीय जनता दल का, मतलब आप ये कह रहे हैं। अरे अरे आप बताओ ना, नेतृत्व कौन करता है, आपके चाहने से न्यूज चलेगा कि न्यूज एडिटर के चाहने से चलेगा? अरे अरे भैया आपको सुनने की आदत नहीं है, आप जो दिखाएगा वही चलेगा या एडिटर जो चाहेंगे वो होगा? अरे टेल मी, अरे जवाब दो, एडिटर जो चाहेगा वही होगा या तुम जो चाहोगे वो होगा? तो आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना, यही तो हम बोल रहे हैं। थोड़ा कमंडल का मतलब समझाइए तो क्या है, और मंडल क्या है, मंडल व्हाट इज मंडल एंड कमंडल, आप हमको एक्सप्लेन कीजिए ना पहले। अरे नहीं नहीं आप छोड़िए ना, आप क्या समझे तब ना सवाल पूछ रहे होंगे। अरे की तरफ होगा, और ये इधर जो मंडल, अरे भैया ये एजेंडा, आप पार्टी, हम लोग आइडियोलॉजी क्या फॉलो करते, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस है ना। आप किसी को जात में नहीं बांट सकते कि भैया फला ये है, चाहे पिछड़े जात का भी सामंतवादी हो सकता है, वो तो सोच पे है ना, विचार पे, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये किसी
जात के खिलाफ कुछ कुछ नहीं है। चलो, अरे भाई वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना वो लिख सकते हैं, वो आपको आपकी समझ के ऊपर है ना, आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों के भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है, वहां से दिल्ली से जो आता वही लिखते हैं। अरे भाई हम लोग कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना, चाहे कोई कहीं भी हो, सभी दल की बात बोल रहा है। ठीक, महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ बीजेपी उत्पन्न करेगी, देने वाली बीजेपी इस पर लगी हुई, क्या करेगी नहीं करेगी, बट यहाँ तो उल्टा हो गया था ना, महाराष्ट्र तो चला नहीं ना, यहाँ तो बिहार है, चल तब नहीं चला अब क्या चलेगा। चलिए हो गया।